गौर है सिंघानिया इंस्टीट्यूट में, जो कि कानपुर शहर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स को उस मुकाम तक पहुंचाता है, ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करता है जो कहीं ना कहीं देश में एक अलग सा नायाम करते हैं, एक कामयाब इंसान बनते हैं। हम बात कर रहे हैं चाहे IIT की, हम बात करें चाहे पॉलीटेक्निक ITI की, आज भी मैनेजमेंट में गौर हरि सिंघानिया का ही डंका बजता है। 1 और 2 दिसंबर को कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम आपको दिखा दें, ये अपना कानपुर शहर है, ये अपना कानपुर वही शहर है जहाँ पे क्रिएटिविटी की हम बात करें तो आप देख सकते हो पूरी तैयारियाँ पे पूरी कुमार आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स बात करने के लिए मौजूद हैं जो हमें बताएंगे इस इवेंट में क्या सारी चीज़ें खास हैं। आपका नाम? साक्षी। आप इस इवेंट में आप अभी पेंटिंग कर रहे थे, कैसी आप क्या सारी तैयारियाँ? जैसा हमारा लिटरेचर फेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसी थीम के अकॉर्डिंग हम अपनी वॉल्स तैयार कर रहे हैं, हम स्टेज तैयार कर रहे थे उसी में पेंटिंग। ओके, तो आपने वॉल्स में मतलब किस थीम पर पेंटिंग पूरी तैयार करी? लिटरेचर, जैसे आप जानते हैं लिटरेचर फेस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी पूरी वॉल्स पेंट की। आपका नाम? आकांक्षा। आकांक्षा, आप कैसी, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो आप इस पूरे इवेंट को लेकर, कैसी खासा तैयारी है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि ऐसा कुछ होना है, इवेंट होना है, तो पता ही था एक्साइटमेंट होगी, लेकिन हम लोगों को जब आर्ट थीम देखा कि दैट इज़ कि ये हमें करना है, उसके बाद हम लोगों ने एक अलग तरीके से जोश दिखाया और हम लोग के सीनियर्स ने पूरी हेल्प करी हम लोगों के साथ, तो हम लोग का पूरा ब्रेन सेट हो गया कि हम लोग को इस तरह से काम करना है और पूरी वॉल अब पूरी चेंज हो चुकी है, नया लुक है उसमें। आपका नाम? वैष्णवी। आप इस इवेंट में अगर बात करें जाए तो क्रिएटिविटी काफ़ी हमें देखने को मिल रही है, कैसी खास एक्साइटेड हो आप इसको? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोगों ने पूरी वॉल को डेकोरेट करा है, हम लोगों ने पेंट करा है, अभी भी वर्क चल रहा है उसमें, हम लोग फ्री हैंड पेंटिंग कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपका नाम? शुद्धमा। आप इस इवेंट को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, कुछ खास तैयारी इसको लेकर? काफ़ी सारे एक्साइटमेंट है हमारे लिए, वॉल पेंट हो रही है, वी आर डेकोरेटिंग आर एम्फी थिएटर अलग से, ये पहली बार कानपुर में हो रहा है तो एंड हमारे कॉलेज में हो रहा है, इसलिए वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो व्हाट आर द अदर सेलिब्रिटीज कमिंग एंड ऑल। आपका नाम? कमल साहब। कमल, आप इस इवेंट को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और खासतौर पर अगर इस इवेंट की बात करी जाए, साहित्य एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी अलग से ही होनी चाहिए, दिखानी पड़ती है, क्या सारी चीज़ें? सर, जैसे कई जगह हम लोग देखते हैं कि आजकल जो मॉडर्न चीज़ें वो यूज़ होती है, पर हम लोग इस इवेंट में अपने हाथ से ही पेंटिंग कर रहे हैं और जो ट्रेडिशनल जो पिक्चर्स बना रहे हो पूरी पुराने से रिलेटेड, इसकी वजह से काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा सर इस इवेंट। आपका नाम? अनमोल। आप इवेंट के बारे में बताइए, कैसे पेंट्स आपने वॉल पे देखी के लिए? हम लोग ने राजस्थानी डिज़ाइन पे किए, हम लोग ने उसके कटआउट से हम लोग ने पूरी पेंटिंग की है वॉल पे, एंड देन हम लोग उसमें वाइट पेंट्स करेंगे, जो एक हम लोग को 1 और 2 डेज लगेंगे इसको करने पे, बट जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल जो हम लोग को पेंटिंग होगी। आपका नाम? विदिशा। विदिशा, आप इस इवेंट की एक बात कीजिए, कौन से थीम पे आपने पूरी पेंटिंग तैयार करी है? ये एक्चुअली लिटरेचर फेस्ट है तो राजस्थानी डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं रेड बैकग्राउंड एंड वाइट डिज़ाइन है, तो बेसिकली राजस्थानी डिज़ाइन है एंड थीम और डेकोरेशन भी उसी लिटरेचर पे ही हो। कोई ऐसा मैसेज है जो आप कानपुर और खासतौर पर देश के उन स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो मैनेजमेंट की इस पर पढ़ाई कर रहे हैं मगर आज वो क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं दूर भाग के अपनी स्किल्स को इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगी कि क्योंकि हमें पहली बार ये मौका मिल रहा है तो हमें भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल रहा है। आई एम श्योर कि बाकी सब आप लोग भी अगर सामने आएंगे तो आप लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है एंड अपने दिए गए मौके का फ़ायदा उठाइए एंड प्लीज़ कम अप विद योर क्रिएटिविटी। आपका नाम? स्वप्निल सिंह। आप बताओ इस बारे में, क्या इस इवेंट में आप कर रहे हो? मैं इस इवेंट में अभी पेंटिंग ही कर रही थी उसके अलावा मैं कंटेंट से रिलेटेड काम कर रही हूँ जिसमें हम राइटर्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और दे रहे हैं टीम को, जिसे हम उसमें कटआउट्स बनाएंगे और उन्हें हैंग करेंगे वॉल में, सो दैट हम डिफरेंट राइटर्स के बारे में जान पाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। ये थे हमारे साथ गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बताया कि कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या सारी चीज़ें खास हैं, क्योंकि कानपुर अपना एक ऐसा शहर है जिसने कहीं ना कहीं साहित्यकारों की बात करें, बड़े डॉक्टर्स की बात करें, मुंबई की माया नगरी में स्टैब्लिश लोगों की बात करें, तो सब कहीं ना कहीं कानपुर शहर से ही निकले हुए हैं। और ख़ासतौर पर अभी मैंने यहाँ के ऑफिशियल से आपको मुखातिब
कराया जिनका सिर्फ यही इंटेंशन था कि कानपुर शहर अपनी जगह एक अलग मुकाम स्थापित कर सके, क्योंकि दोस्तों बिना प्रेक्षण के रिजल्ट नहीं निकलता। इसी के साथ कैमरामैन रजत के साथ आकाश, इंडिया लाइव टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।